हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक टीच 2.0 में। अब मैं आप लोगों को वीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021 हिंदी लिटरेचर पेपर सेकंड का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ, जिसमें हमारा खंडा है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो फर्स्ट प्रश्न है हमारा, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा फर्स्ट पूछा गया है, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यास कार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, भगवती चरण वर्मा। सेकंड है हमारा, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, प्रेमचंद। नेक्स्ट पूछा है हमसे, भीष्म साहनी को किस उपन्यास के कारण पुरस्कार मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि तमस। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था, महाभोज उपन्यास किस ने लिखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, यानी कि मुन्नी भंडारी। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था, गृदुला सिन्हा का जन्म हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, छपरा में। चलिए तो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के उत्तर। तो अमृतलाल नागर का जीवन परिचय लिखिए। तो ये रहा इसका आंसर, तो आप लोग यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं। ये रही इनकी प्रमुख रचनाएं। चलिए देख लेते हैं थर्ड प्रश्न का उत्तर। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी में निहित अंचलिकता पर प्रकाश डालिए। तो ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा शोप्ति के कहानी संग्रह की विशेषताएं बताइए। तो ये रहा, ये सॉरी हमारा अथवा का ये वाला आंसर, मालती जोशी की कहानियों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। तो हमसे पूछा गया है, हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा पर निबंध। तो ये रहा हमारा हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा पर निबंध। तो यहाँ से आप लोग लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट है, जो कि पांचवें का ही है, कहानी कला के तत्वों के आधार पर अपना अपना भाग कहानी की समीक्षा कीजिए। तो ये रहा हमारा अपना भाग कहानी की समीक्षा। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न क्रमांक पाँचवा के दूसरे का उत्तर भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी पेपर का फुल सॉल्यूशन पता चल सके। इससे पहले मैंने 3 सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड करवा दी हैं, तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी हो तो देख सकते हैं। आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाकर सीधे वीडियो को देख सकते हैं और अपने पेपर को अच्छे से हल कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।